खत्म ही नहीं हो रहा है सब। Thank you.
Thank you.
given her valuable time to support this most precious subject close to her heart. And we have this Diane Pandey, who has also come here to support the event and also tell us about the importance of organic products. And we have with us Honorable MLA Madam, Tripti Sawant Madam, who has also given her valuable time to be present for this press conference today. And we have Ms. Nandita Mishra Madam, Joint Secretary and Economic Advisor in the Ministry of Women and Child Development, Government of Maharashtra, Government of India, sorry, So now I would like to request Ms. Pankaja Mulya Madam to kindly start the press. I welcome you all the dignitaries on the dais, and all the press guys, the cameramen, all the press reporters of the electronic media, print media, all of you. I welcome you all for this unique program. We are trying to promote organic food as well as organic farming, and Rumiji is going to embossing what we are doing. Is going to be a brand ambassador for this program. And Honorable Jackie G is here. She's a great friend and great woman being. Honorable Mathi G is here. And she really encourages all the organic things, and she is going to help these women to kind of enhance their marketing and all these things, and she will be able to guide them. Also, my Thakur is here, my Indira ji is there, who is leading my Arthik Vikas Mahamandal. Basically, I will be talking in three languages because I am from Maharashtra, so of course I cannot ignore Marathi. I am staying in India, so I cannot ignore my national language, my Hindi. And now, since we are going to kind of address to all kind of people here, so I am going to speak in बेसिकली हम जब पहले बचपन में जब पिक्चर्स देखते थे या टीवी में कोई सीरियल देखते थे और तभी एक साथ ही मूवी बनती थी जिसमें उसके मेन लीड एक्टर या एक्ट्रेस को कैंसर है और वो बहुत बड़ी बात लगती थी. जब हम बचपन में ये सब देखते थे तब कैंसर ये सिर्फ मूवीज में है ऐसा लगता था. जब कोई एक कैंसर पेशेंट के ऊपर मूवी बनती थी, मुझे याद है बहुत बचपन में हमने एक मूवी देखी जिसमें खुशबू was playing a child role, and she was Sunita's daughter, and she had cancer. कभी हमें बहुत लगता था कि cancer मतलब ये सिर्फ सिनेमा में देखते हैं. आनंद में हमने देखा राजेश खन्ना जी को cancer था, तो ये movies में देखने वाली चीज थी. इसके ऊपर आजू बाजू में stories बुनती जाती थी, उसके ऊपर लोगों के बहुत sensitive reactions होते थे. पर आज जब मैं देखती हूँ कि मेरे neighborhood में cancer है, मेरे family में cancer है, मेरे जान पहचान में, मेरे दोस्तों में, और इट इज गोइंग लाइक लिटरली लाइक कैंसर इटसेल्फ, बिकॉज कैंसर इज व्हाट इट इज अननेचुरल ग्रोथ ऑफ एनी सेल. और जिस तरह से कैंसर बढ़ रहा है उसके अगर हम थोड़े से डीप में जाएं तो जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारी डिमांड है, वो इसको बढ़ा रही है. तो बहुत सारी बीमारियों से दूर जाने का एक मेन हमें उपाय है, हमें हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है, जो हमने एंशिएंट इंडिया में किया है, वो वापस हमारे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं. वी आर गोइंग टू अगेन ऑर्गेनिक फार्मिंग, वी आर गोइंग टू अगेन प्रोडक्ट्स विच आर नॉट केमिकली फर्टिलाइज, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू एनकरेज दैट. आज मैं देखती हूँ मेरे विजिटर्स में, अगर 100 लोगों से मैं रोज मिलती हूँ, उसमें से 10 पेशेंट्स होते हैं और उसमें से 5 लोगों को कैंसर होता है और वो चाहते हैं कि मैं उनको मदद करूं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते. क्यों? कल ही हमने कैबिनेट में डिसीजन लिया कि हम प्लास्टिक बैन करेंगे गुड़ी पाड़वा जो हमारा मराठी न्यू ईयर है उस दिन से. सो आई रियली वेलकम दैट डिसीजन ऑफ पर्यावरण मंत्री ने जो हमारा डिसीजन लिया वो हम प्लास्टिक बैन कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज अ बिग कॉज ऑफ द कैंसर. तो तनुजा जी यहाँ आई है, आई वेलकम हर एंड प्लीज आई वेलकम. Ladies and gentlemen, we'd like to welcome Ms. Tanuja with a big round of applause, please.
मैडम तनुजा जी ऑल्सो रनिंग दिस इवेंट एंड वुमेन डेवलपमेंट मोबाइल 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 एनी तो इसके लिए हमें कुछ उपाय करने की ज़रूरत है और देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठानी है और हमारे केंद्रीय मंत्रालय मनेका जी हमारी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने ठानी है कि हम इनको महिलाओं से शुरुआत करेंगे। महिलाओं के जो बचत ग्रुप है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसके माध्यम से हम इंकरेज करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम इंकरेज करेंगे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। और आज हमने देखे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी थे, एडिबल प्रोडक्ट्स भी थे यहाँ और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो हम लोग कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं, वीटग्रास की पाउडर्स लेते हैं, हम लोग मल्टीविटामिन लेते हैं और ये सब हमारे यहाँ बने हुए हमारी महिलाओं ने बनाए हुए कोई भी केमिकल उसमें एडल्ट्रेशन नहीं है ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और इसके लिए हम आज ये एग्जीबिशन कर रहे हैं। ये एक शुरुआत है पर ये मोमेंट है और ये मोमेंट बहुत दिनों तक जाने वाला है और ये मोमेंट से हमें ये रिजल्ट चाहिए। ये हमारा अपेक्षा है, हमारी अपेक्षा है कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम इन सब जो रोगों से मुक्ति पाए और ये सब जो एडल्ट्रेशन हो रही है खानों में या हमारे प्रोडक्ट्स में उससे हम मुक्ति पाएँ और इसमें एक इकोनॉमिकल स्ट्रेंथन भी हम हमारी रूरल वुमेन को करें। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं दे विल बी मेड बाय वुमेन, दे विल बी सपोर्टेड बाय महिला आर्थिक विकास महामंडल एंड दे विल बी ऑल्सो मार्केटेड बाय वुमेन एंड ऑल्सो ऑफकोर्स एम्बॉस्ड एंड ऑल्सो by women and Dracula, you are the source behind all these women who are working for this. So, हम चाहते हैं कि हम सब चाहते हैं कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा encourage करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बारे में information दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को aware करें कि क्या उनकी सेहत के लिए अच्छा है, क्या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती तो वो सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं। उनका ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार आज इस बारे में जागरूक हुई है। भले ही वो देर से हम इस बारे में सोचने लगे हैं पर आज हम सोचने लगे। आज अगर आप दुनिया में जाएं, आप स्पेन में जाएं, आप ग्रीस में जाएं, आप यूएस में जाएं, आप जहां भी जाएं आप देखेंगे कि दे आर वेरी अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट एंड लॉसेस वी आर हैविंग बिकॉज ऑफ एल्ट्रेशन। आप जाएंगे ऑर्गेनिक फूड इज बिकमिंग वेरी फेमस एंड वेरी मैटर ऑफ कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारे देश में जो कि हमारी मिट्टी में बनता है जिसको हम पहले नकारते थे पॉलिश फूड नहीं करके हम पॉलिश फूड लेते थे, आज किनोवा जैसी चीज़ें हम खा मतलब जो हाई इनकम ग्रुप है वो खाते हैं डाइट के लिए पर हमारे पास भी वैसा प्रोडक्ट मौजूद है मिलेट के रूप में। हम वो सब हाई फाइबर हाई प्रोटीन कंटेंट विदाउट एनी अल्ट्रेशन इसको इनकरेज करने के लिए और इवन द कॉटन द प्रोडक्ट्स वी आर वेयरिंग और जो कपड़े पहन रहे हैं उसमें भी अल्ट्रेशन है, उसमें भी केमिकल है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आज से हम ना करें तो बहुत साल शायद एक दशक में हम कुछ पाए और कुछ अच्छा रिजल्ट पाए और आगे से जाकर हम बहुत सारे रोगों को जो हम निमंत्रण खुद ही देते हैं हमारे एस्पिरेशन में कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो ज़्यादा बड़ा यील्ड हो इसके वजह से तो वो हम रोक पाएंगे। तो ये एक अच्छा प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हम कर रहे हैं और इसमें आप सब स्टार्स हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं तो हमारा ये जो प्रयास है और उसकी चमक बढ़ गई है। सो आई रियली रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस हियर एंड आई रियली थैंक यू ऑल। आई कॉन्ग्रेचुलेट इंदिरा जी फॉर हैविंग दिस वेरी सिंपल वेरी सटल इवेंट फॉर वेरी गुड कॉज। सो आई रियली थैंक ऑल एंड आई थैंक तृप्ति जी ऑल्सो आई शी वाज सिटिंग देयर शी इज अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव विधायक है यहाँ की, मैं सबके बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैडम मैम पंकजा मुंडे जी dignitaries, all dignitaries on the dais, to my right, to my left, and Indra ji, namaskar aap sabko. Main is cheez se kyun judi, organic, kyunki main dil se manti hoon ki hum bachchon ko, chote chote bachchon ko, jo aaj paida ho rahe hai, jo badh rahe hai, hum in sabko pesticide bhare khane na dein. वो इस दुनिया में ये नहीं ये कहकर नहीं आए कि हमें केमिकल वाले खाने दीजिए, इससे उनकी सेहत बिगड़ेगी, आगे जाकर ये अंधकार का ही रास्ता है। आई ट्रूली बिलीव दैट एंड आई ऑल्सो बिलीव कि हम अपनी धरती को पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स मार मार के हम उसे
उसका नष्ट कर रहे हैं. सो ये रास्ता नहीं होना चाहिए. हम ऑर्गेनिक की तरफ मुड़े और ये इसकी अवेयरनेस और होती जाए, इसीलिए मैं इस कॉज को दिल से सपोर्ट करती हूँ. यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि मैंने इनवाइट किया उन स्टार्स को जो मेरे दोस्त भी हैं और जो दिल से इस चीज़ को मानते हैं. जाकिदा, तनुजा जी, तनीशा, डियान, मधु जी. मैंने थोड़ा सा समय लूँगी बताऊँगी. बस 3-4 हफ्ते पहले मैं जाकी जी के साथ शूटिंग कर रही थी, तो शूटिंग के बाद उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया. गिफ्ट क्या, एक छोटा सा प्लांट था, बहुत ही सुंदर सा उनका सिरेमिक का पॉट था, स्पाइडर प्लांट. और फिर उन्होंने मुझे बताया कि स्पाइडर प्लांट की अहमियत क्या है. ये बेंजीन अब्सॉर्ब करता है 20 फुट तक. तो आप इसे अपनी गाड़ी में रखिए, और क्योंकि हम जब एसी ऑन करते हैं तो ये जो प्लास्टिक से, गर्म प्लास्टिक से जो हवा आती है, या नई नई जो हमारी गाड़ियाँ बनी होती हैं, प्लीज गिव आउट कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स इन दी एयर. हम फट से ऊपर अपना शीशा बंद करते हैं और वही हवा हम सांस लेते हैं, वो अंदर जाते हैं. आई वॉज अमेज्ड. मुझे नहीं पता था कि जैकी जी इन चीज़ों में इतना ध्यान रखते हैं. That's what gave me an insight कि अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो लेट मी इन्वाइट हिम बिकॉज आई नो हिज हार्ट इज इन दिस प्लेस. तनुजा जी इज ऑफकोर्स वी नो हर एज एन एक्ट्रेस, वेरी फेमस, लेजेंडरी, बट ये लोनावला में ज़्यादा रहती हैं, मुंबई कम आती हैं. शी इज सोशली वेरी एक्टिव ओवर देयर एज वेल, सोशल कॉजेज में. मैंने जब इनसे बात की, इन्होंने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगी. मैंने कहा तनुजा जी मैं आपको तंग नहीं करना चाहती, अगर आप मुंबई में हो तो आए, अगर लोनावला में हो तो कोई बात. शी सेड मैं लोनावला से आऊँगी. अगर इफ इट्स अ कॉज दैट नीड्स टू बी सपोर्टेड काउंट मी इन, आई विल बी देयर. मैं यहाँ से अंधेरी भी जा सकती हूँ. ये कितनी खुश है. तनीशा, मधु, वी नो देम एज एक्ट्रेसेस, television, social media, they're very, very popular, but both their hearts are in the right place. Kehte hain agar, when you say you love flowers, you don't pluck them anymore. Instead, you water the plant. Then you know life. So I feel Tanisha and Madhu, they know life. And Deanne, I was very surprised. Deanne is a holistic health expert. Ye मैं इनको सोशली एक या दो बार मिली हूँ, मगर जब मैं चंकी जी से बात कर रही थी, मैंने कहा हु इज इंटरेस्टेड इन दैट, ही सेड डियान. डियान की पूरी फॉलोइंग है इंस्टाग्राम में. शी हैज बीन डूइंग होलिस्टिक हेल्थ फॉर द पास्ट 15 इयर्स. शी हैज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू टुडे. शी हैज बीन फॉलोइंग इट एंड शी टीचेस इट एंड शी एनकरेजेस इट. एंड आई सेड डियान, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा विल यू कम. She said, of course, and you want me to help? तुम बताओ मुझे क्या चाहिए. हम लोग चलते हैं, कुछ करते हैं इनके लिए. All of them, they have just come because they believe in it, and I think people here who believe in it should be here. So thank you, I thank all of you very much for coming. अरे रश्मि जी, उफ, मैंने sorry. रश्मि जी is a food expert. A food expert. I mean, for years she's been writing about food. I don't think you've had a chance to go through the exhibition. Here you have the most, seriously, the most organic, original foods of India, of the earth, nutritious elements which are right up here. And I'm sure, and I hope you will enjoy looking through them. I believe she's also travel kar rahi hai aaj, but she said, "Main travel karne se pehle." जरूर आऊंगी आपके लिए. सो आई थैंक यू एज वेल. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. आई लाइक टू रिक्वेस्ट मिस नंदिता मैम टू स्पीक फ्यू लाइंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री साइड. एब्सोल्युटली. एंड थैंक यू सो मच. आई जस्ट फेल्ट द नीड टू इंट्रोड्यूस द फ्रेंड्स दैट आई हैव इनवाइटेड बिकॉज़ दे हैव सो काइंडली कंसेंटेड टू कम. एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू नंदिता जी. प्लीज grateful on behalf of Government of India and Honorable Manika Sanjay Gandhi ma'am, I would like to personally thank you. Because of you we are in Mumbai today, because our ministry, which believes in empowering women,
we have been approaching through the organic way of life. We want to empower the organic farmers, the rural women. For millions of rural Indian women, organic agriculture offers escape from the three D's, the three demons of debt, disease, and destitution. And I'm sure with the luminaries that you have got and the media here will promote so that the rural women get such a good market that we are forced to come to Mumbai over and over again. सैंडविच के आइटम्स जो है वो आधा किलो के भाव के हिसाब से 90 रुपीज से नीचे मिलता है नहीं है. इट इज अवेलेबल 1 kg. तो व्हाट गवर्नमेंट गिव द बेनिफिट टू द जो बनाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप देती है किस तरह मिडिल आर्मी को कम भाव में मिल सके. सैंडविच आइटम एवरी मोल देर आर मोर डबल बैक प्राइस अवेलेबल डेफिनेटली बिकॉज जो चीज कम मिलती है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है. हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हम सब चीज़ों को ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाएं. सो बेसिकली नाउ इन द बिगिनिंग इन द ओरिजिनल डेज वी यूज्ड टू हैव ऑल दीज अनपॉलिश्ड राइस अनपॉलिश्ड ग्रेन्स व्हिच आफ्टर इन 80s एंड ऑल वी थॉट दैट इट वाज नॉट वर्थ हैविंग. वी शुड हैव पॉलिश्ड एंड मोर इवॉल्व्ड ग्रेन्स इवॉल्व्ड वेजिटेबल्स इवॉल्व राइस. सो वेर एवर वी टॉक अबाउट हैविंग मोर क्रॉप पर unit or more yield for the farmers, we end up having more chemical exposure to the product. So it is not even good for farmers. So now the government also taking the initiative where we are encouraging chemical free farming, we are encouraging organic farming, and we are going to give them little, yeah. Is the government looking in any way to subsidize these organic products? See, these are overpriced. It's not because their production is really that costly. It is overpriced because the target buyer is very high economic strata. That is why when we go into the middle class and lower middle class, it automatically gives that edge. So government is encouraging that by not by subsidizing grains, but we will encourage by subsidizing the organic fertilizers, by giving organic fertilizer production little bit of benefits. So automatically, and we will encourage farmers who totally go on organic. So we definitely do that. But the pesa, because it is only used by stars or like high economic group, so automatically the demand and supply ratio is affected, and then the price is higher. So when we go low, as lower income groups, so automatically we'll be able to help the price. मेरा मेरा बात सही है, लेकिन वो price जो double price में देते हैं. मैं आपको example दे रहा हूँ, दाल के लिए हमें 20 रुपये में देते हैं. जो लाल 80 रुपया 90 रुपया केजी में मिलती है, सिंगदाना भी मिलता है. सिंगदाना का भाव 150 रुपया तो सैलरी है 1 kg, 150 रुपीज़ के जी. जब दाल के लिए बताया है तो 180 रुपीज़ पर के जी, हाफ के जी 90 रुपीज़. तो ये डिफरेंस है मोर. ये डिफरेंस इसलिए है कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, ऑर्गेनिक सीड्स है, दे आर एक्सपेंसिव. और केमिकल में क्या होता है, यील्ड ज्यादा होता है, इसलिए वो चीपर होता है. एक मुट्ठी डालो तो पूरा खेत में बहुत सारा यील्ड आ जाता है. तो लोगों का ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स का जो इंक्लाइनेशन होता है टू हैव मोर यील्ड, तो हम उसको ही टारगेट कर रहे हैं एट द ग्राउंड लेवल वेयर वी आर एनकरेजिंग ऑर्गेनिक. इट विल टेक कपल ऑफ इयर्स बट विल डेफिनेटली रीच दैट. हाय मैम, In an interview just very recently, I said the same thing. So, मुझे डांट पड़ी from my brother Ajay, who's also very involved with organic. उसने कहा कि ये तो सच नहीं है. And then I realized that Indra ji had informed Falguni, who's my manager, about stores which are government stores, organic stores, which actually have all these products at very reasonable rates. मगर मुझे नहीं पता था उसके बारे में. आई हैव बीन बाइंग ऑनलाइन एंड आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव. और मुझे लगता है मैं तो फिर भी बाय कर लूंगी, मगर आम आदमी कैसे करेगा. सो व्हेन दीज स्टोर्स आर देयर एंड मेरे घर के पास है, मगर मुझे पता ही नहीं है क्योंकि वो एक थोड़ी सी मेन स्ट्रीट पे नहीं है, पीछे है, उसकी कोई एडवर्टाइजिंग शायद नहीं हुई है. तो आई वुड से मैम प्लीज इफ यू हैव दीज स्टोर्स मेक देम नोन. Because there are many people interested, but they just don't know where. Thank you. That is
also a good suggestion. We will make them known, but this is only for us. Me, Juri ji, Tanuja ji, Jackie ji, Madhu ji. But जो लोग गांव में हो तो ना ऑनलाइन खरीदते ना स्टोर में जाके खरीदते, वो तो जाके वो उनका एक सिस्टम होता है, वहां से खरीदते हैं, मार्केट कमेटी से उनका अनाज दिया जाता है. तो हम अनाज ही क्यों ना पैदा करें जो केमिकल फ्री है, उस पर हमें जाना चाहिए. ये बहुत अच्छा सजेशन है और मैं खुद इस बात को अभी मैं मोटिव बनाऊंगी. मैं भी कोई चीज़ जब देखती हूँ तो मैं उसको बहुत आगे तक लेके जाने की मेरे प्रयास होता है. तो मैं भी इसमें खुद मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगी कि आप एनकरेज करिए जो लोग नो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अलग सी स्कीम हम जरूर करके उसमें एनकरेज करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है. क्योंकि ये जो बच्चे हैं, चलो तो हमारा जो होना था हो गया, पर जो नए बच्चे हैं उनको सांस अच्छे हवा मिले, उनको अच्छा अनाज मिले, अच्छा खाना पीना मिले, ये हमारा कर्तव्य बनता है. और वी आर बीइंग वेरी इग्नोरेंट अबाउट हेल्थ ओवरऑल, सो वी शुड कीप टेकिंग केयर ऑफ दैट. Good afternoon, everyone. My name is Harsh Vaidya. I am the chairperson for India Organic Society. We have 5,000 organic farmers across India we represent, and here is where we have a venture called as the Bombay Natural Company, through which we bring together all the farmers' produce and make it reach to the end user. We are not available in any stores. The answer to his question is the distribution margins are such. Trust me, getting it from the farmers, you won't believe, we buy it from the farmers at much, much cheaper price than what government buys it from them, because they're not recognized. So what we need is that we should work at the grassroots level, ensure more and more farmers are associated with this mission. What we are doing is we are empowering women, a lot of women coming together, and they are helping us to supply, to distribute it to every village. We have around 3,000 women here in Mumbai who in their free time, who are otherwise unemployed because of, they being married or some reason, they are reaching out to people at their doorstep and we are distributing this. The concern here is the distribution margins, which is the only culprit according to me. If you go to the farmers, it is very cheap. Trust me, you go down and check out the prices, they are much affordable than what you find in the market. So that's my answer to this question. There's no enough volume for you. Absolutely, but then there's lack of awareness. I mean, it's always been a rich man's food. You see, farmer always thinks to have more yield. So for him, it is a criteria of life and death that he has to have more yield. So if to whatever gives him more yield, he goes for that. Absolutely. It doesn't have to be necessarily healthy for consumer. So we have to make sure that whole chain is taken care of. Thank you. Thank you very much. I'd just like to announce also that there's a technical session on how to get organic certification this afternoon. And on the 19th, we'll have a panel discussion on the various aspects of organic farming. And here I would like to ask Mahesh to kindly give this token of love to our a brief token of love, ma'am, for memento of the event. Arulji. Center.
जी मैम साहेब पाठन करा दोन साहेब क्लियर थैंक यू सर सर एक जी मैडम जी मैडम एक किलो का जी मैडम जी ना फोटो से मन करो दिन दिखा मार रहे हैं एक सेकंड में ये पीछे कर रहे टेबल तो ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन ग्लोबल एज अ कंपनी इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट एंड दैट इज द रीजन आवर क्लाइंट्स डू कीप ऑन कमिंग again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai. Is par kuch roshni daliye. Roshni leader ke sath apne aap chalti hai. Aur hum kya roshni dalenge uske upar. Ek bahut hi acha vishay hai is film ka. Mahilaon ke prati jo hai samaj mein aajkal और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं तो ये एक हिंदी वर्जन है तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हाँ जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस